तक जो है वो सबसे ज्यादा टारगेट पर है रूस की सेना के, क्योंकि वहां पर हमले बढ़ा दिए गए। एक और अहम खबर आ रही है, रोमानिया में संदिग्ध बलून से हड़कंप मच गया है। अमेरिका के बाद रोमानिया में भी नजर आया है संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखते ही रोमानिया का एक्शन, रोमानिया ने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है और क्या था ये संदिग्ध ऑब्जेक्ट, उसके बारे में आपको हम बताने वाले। रोमानिया में दिखा है संदिग्ध गुब्बारा। रोमानिया में दरअसल संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से हड़कंप मचा हुआ है। रोमानिया के दक्षिण पूर्व में दिखा है एक संदिग्ध बलून। 11,000 मीटर की ऊंचाई पर यह बलून उड़ रहा था। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देख रोमानिया की एयरफोर्स भी हरकत में आ गई। रोमानिया ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गिराने के लिए भेजा MiG-21। कुछ देर बाद अचानक से गायब हो गया गुब्बारा। प्रोफेसर अंशु, रोमानिया में जासूसी कौन करा रहा है? अमेरिका में तो चीन पकड़ा गया, चीन ने भेजा था स्पाई बलून, लेकिन यहाँ जो संदिग्ध गुब्बारा दिखा है उसके पीछे कौन हो सकता है? इन गुब्बारों ने तो भाई विश्व राजनीति में एक अलग ही अध्याय खोल के रख दिया है। कभी कनाडा के ऊपर हमें गुब्बारा दिखाई पड़ता है, कभी अमेरिका। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एयर स्पेस में दिखाई पड़ता है, कभी लैटिन अमेरिका में दिखाई पड़ता है, अब रोमानिया में दिखाई पड़ रहा है। तो आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं होती, जब तक कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि जैसे अमेरिकन एयर स्पेस में जब गुब्बारे दिखे, 4 बार दिखे, 5 बार दिखे, लेकिन यहाँ तो गायब भी हो गया अथॉरिटीज ने, यहाँ बलून गायब भी हो गया। जब यहाँ बलून गायब हो चुका, पर निश्चित तौर से कोई भी देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे इसको एज अ थ्रेट लेगा और परेशान या घबरा तो जाएगा ही, क्योंकि इस प्रकार के गुब्बारे जो है वो बहुत सारी खतरनाक चीजें अपने साथ कैरी करते हैं। आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट, यहाँ पर इतिहास बार बार सर बयानबाजी के जरिए याद दिलाया जाता है, क्योंकि जापान के टाइम में जो उस दौरान वॉर हुई थी उसमें इन बलून्स ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। तो आज बदलती इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली, तब तो बॉम्ब्स फेंके गए थे बकायदा। आज अगर इस वॉरफेयर जोन में हम ये देख रहे हैं, ना सिर्फ पिक्चर्स कैप्चर्स की जा रही हैं, मिसाइल्स जहां पर बन रही हैं, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इनके जरिए, पर तो आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल कैसे भी हो सकता है। पर बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज इन जितने शक्तिशाली देश हैं, इनफैक्ट डेवलपिंग नेशंस के पास भी जो उनकी जो साइबर क्षमताएं हैं और जो स्पेस क्षमताएं हैं, जिस तरह के सैटेलाइट्स इनके पास हैं, तो ऐसे स्पेस इंटेलिजेंस जिस तरह का है, तो इन गुब्बारों का प्रयोग आखिर क्यों किया जा रहा है, यही आश्चर्य की बात है, शायद देशों को डराने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं? अब मैं इस पर 2 पॉइंट करना चाहूंगा। इस टाइप के रिएक्शंस के लिए जो अनफ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेजे जाते हैं, 2 मेन कारण होते हैं। एक तो वहां की पब्लिक में थोड़ा डर पैदा करना, भावुक पैदा करना। सेकंड, उस देश का रिएक्शन नोटिस करना कि हम अगर कुछ भेजेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे, कितने तैयार हैं, कितने कैपेबल हैं, ये इनकी एक्टिविटी चेक करते हैं। ये इनडायरेक्ट तरीका होता है दुश्मन के बारे में जानकारी लेने के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन तो उनके पास सही सैटेलाइट सारी आई हुई है। ठीक है, बिल्कुल, आने वाले समय में चीजें और साफ हो जाएंगी कि इस सब के पीछे किसका मकसद क्या है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।